आई आई इज वेलकम टुशाला बाई अनुश्री दिस इज़ द फिफ्थ लेक्चर फॉर क्लास नाइन्थ हिस्ट्री चैप्टर नंबर थ्री नाजिज्म एंड राइज़ ऑफ हिटलर ठीक है चैप्टर का जो एक स्टार्टिंग और एंडिंग होती है दोनों ही हम ख़त्म कर चुके हैं ठीक है मतलब हमने देखा कि किस तरीके से जर्मनी जर्मनी में कैसी कंडीशंस बनती हैं जिसके कारण वर्ल्ड वॉर वन होता है फिर राइज़ ऑफ़ हिटलर होता है जर्मनी को कितनी चीज़ें सफ़र करनी पड़ती हैं ट्रीटी ऑफ बरसाइल्स क्या है ठीक है फिर इकोनॉमिक रिकवरी या रिकन्स्ट्रक्शन जो है वो किस तरीके से हिटलर उसको फैसिलिटेट करता है ठीक है कैसे एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरीज़ करेगा पोलैंड को इंक्लूड करेगा रशिया को कैप्चर करने की कोशिश करेगा ऑस्ट्रिया को अपने एम्पायर में मिला लेगा ठीक है और अल्टीमेटली रशिया के ऊपर अटैक करेगा तो रशिया उसको हरा देगा फिर ये सारी चीज़ों के बाद क्या होगा वर्ल्ड वॉर टू की कंडीशन बनेगी और वर्ल्ड वॉर टू में अल्टीमेटली यू को एंट्री लेनी पड़ती है बिकॉज ऑफ दी जापानस अटैक ऑन पर्ल हार्बर ठीक है जिसके कारण यूएसए वर्ल्ड वॉर टू में एंट्री लेगा फिर जर्मनी हारेगी और हिटलर को यहां पर खत्म कर दिया जाएगा ठीक है चलो अब हम पढ़ने वाले हैं जर्मन सोसाइटी के बारे में ठीक है क्यों जर्मन सोसाइटी के बारे में पढ़ना क्यों जरूरी है क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू जब चल रहा था तो ये आप एक ब्रॉड एस्पेक्ट में सिर्फ ये नहीं देख सकते कि जर्मनी बाकी कंट्रीज के साथ क्या कर रही थी ठीक है जर्मनी के अंदर वर्ल्ड वॉर टू से पहले जो चीज़ें चल रही थी वो एक्चुअली बहुत बाद में पूरी दुनिया के सामने आती हैं ठीक है ठीके? और क्या चीज़ें सामने आ रही है जर्मन सोसाइटी का असली चेहरा आई माइट साउंड लाइक अ न्यूज़ चैनल सॉरी ठीक है मतलब जर्मनी में जो एक्चुअल चीज़ें हो रही थी जो प्रॉब्लम्स था जो डिस्क्रिमिनेशन uh, था रेसिस के बीच में है ना और जो इतना ज़्यादा डीप रूटेड कर दिया था हिटलर ने मतलब कि जो नॉर्मल जर्मन पीपल्स थे उनके खुद के मन में ये चीज़ आने लगी थी ठीक है कि कुछ लोग डिज़ायरेबल होते हैं कुछ लोग अनडिज़ायरेबल होके होते हैं ठीक है अब डिज़ायरेबल अनडिज़ायरेबल कौन है ये हम पढ़ते हैं ठीक है टॉपिक का नाम है नाजी वर्ल्ड व्यू नाजी वर्ल्ड व्यू का मतलब क्या है नाजिजम जो कंसेप्ट है उसमें जो नाजी पीपल हैं जो लोग उसको मान रहे हैं नाजी जिनको हम कहेंगे वो किस तरीके से सोसाइटी को देख रहे थे मतलब उनका नज़रिया क्या था ठीक है और एक्चुअली जो नाजिज़म है वो चश्मा किसका है हिटलर का मतलब कि जो हिटलर अपने लोगों को दिखाना चाहता है, है ना वो चीज़ें उसके लोग देख रहे थे ठीक है मतलब कि बात मतलब कि जर्मन पीपल जो हैं वो जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो किसकी सिखाई हुई है हिटलर की क्यों क्योंकि हिटलर ने उनको इस तरीके से मैनिपुलेट कर दिया है ठीक है हिटलर उनको फोर्स नहीं कर रहा कि आप दूसरे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करो लेकिन हिटलर ने उनको ऐसी चीज़ें सिखा दी हैं जो उनके अंदर तक भर गई हैं डीप रूटेड हो गई हैं जो खुद वो दूसरे लोगों के साथ गलत कर रहे हैं लेकिन अल्टीमेटली वो ऐसा करें कर क्यों रहें क्योंकि हिटलर ने उनके अंदर ये सारी चीज़ें डाली है ठीक है तो अगर नाजिजम का आप जो नज़रिया है परस्पेक्टिव है उसकी बात करते हैं तो इट इज़ एक्चुअली द परस्पेक्टिव ऑफ हिटलर ठीक है अब देखते हैं हिटलर का परस्पेक्टिव क्या था हिटलर सिंपली ये समझ में आता था कि देखो जर्मनी को रूल करना है ठीक है लेकिन जर्मनी जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ रहने चाहिए प्योर जर्मन्स ठीक है कैसे लोग रहना चाहिए प्योर प्योर ये जर्मन्स को ना बहुत सारे नामों से बताया गया।, गया है ठीक है इसमें बोला गया है नॉर्डिकारियंस नॉर्डिकारियस किसको बताया गया है ऐसे लोग जो नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज में रहते हैं ठीक है और जिनका बेसिकली ओरिजिन कहाँ से है जर्मनी से मतलब प्योरली जो जर्मन रेस है है ना उसको ही बोला गया है कि ये लोग डिजायरेबल हैं या फिर ये प्योर जर्मन से ठीक है इन्हीं को बोला गया है डिजायरेबल डिजायरेबल का मतलब क्या होता है जो कंट्री में रहने चाहिए जिनको हिटलर चाहता है कि कंट्री में रहना चाहिए ठीक है और इसी के अपोजिट हिटलर ने क्या बताया कि भाई देर इज अ सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो अनडिजायरेबल है है ना जो अनचाहा है आपकी टेरिटरी में अब हिटलर का कहना था कि जो लोग अनडिजायरेबल है ठीक है जैसे कि जिप्सीज़ पॉलिश पीपल प्लस दोस जर्मन्स हु आर फिजिकली और मेंटली डिसेबल ठीक है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि physically and mentally disabled Germans चलो इसके पीछे की पहले कहानी समझेंगे है ना क्या कहानी है हिटलर जो है हिटलर एक ऐसा व्यक्ति था जिसको समझ में आता था कि उसको अगर जीतना है तो उसको अपनी पॉपुलेशन का सपोर्ट लेना पड़ेगा ठीक है इसी तरीके से उसने डेमोक्रेसी को यूज़ करके पावर में आया और फिर डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया ठीक है लेकिन स्टिल पीपल वर सपोर्टिव ठीक है तो यहीं पर दोबारा से हिटलर जो है वो यही गेम खेलेगा कैसे लोगों को मैनिपुलेट करना चालू करेगा हिटलर का कहना था हिटलर सहारा लेता है साइंटिस्ट का है ना बायोलॉजिकल साइंट, साइंटिस्ट का मतलब जैसे कि चार्ल्स डार्विन या फिर हर्बर्ट स्पेंसर है ना आपने इन लोगों के नाम सुने होंगे नहीं सुने तो टेंथ में सुनेंगे जब आप बायोलॉजी पढ़ेंगे ठीक है उसमें चार्ल्स डार्विन बताते हैं कि प्लांट और एनिमल्स जो हैं इसमें जो हेरिडिटी है वो किस तरीके से पास ऑन होती है है ना वो पी जो है है मतलब मटर के जो टुक मटर के जो दाने हैं है ना उनको यूज़ करके या प्लांट सेप्लिंग्स को यूज़ करके ये बताते हैं कि कैसे इन्वामेंट के अकॉर्डिंग हेरिडिटी जो है हेरिडिटरी जो है वो पास होगी ठीक है और जो नया जनरेशन आएगी जो नई जनरेशन आएगी वो किस तरीके से पुरानी जनरेशन पर डिपेंड करती है राइट right? और हर्बर्ट स्पेंसर जो है वो क्या बताते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट उनका ये कहना होता है कि भैया एनवायरमेंट के हिसाब से जो भी ऑर्गेनिज्म चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो एनिमल हो या चाहे वो प्लांट हो अगर वो चेंजिंग एन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट नहीं करेगा है ना अपने आप को मॉडिफाई नहीं करेगा अपने आप को चेंज नहीं करेगा तो उसका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है ठीक है ये दोनों जो थ्योरीज होती हैं ये दोनों जो साइंटिस्ट होते हैं ये लोग क्या करते हैं बायोलॉजिस्ट जो होते हैं ये कैसे साइंटिफिक तरीके से अपनी थ्योरीज़ को बताते हैं ठीक है लेकिन हिटलर इसका यूज़ करके लोगों को मैनिपुलेट करता है ठीक है हिटलर का क्या कहना होता है कि देखो भाई अगर कोई भी खराब मटर का दाना होगा ठीक है तो अगर वो रिप्रोडक्शन करेगा तो आगे की जो जनरेशन होगी वो खराब होगी उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी ठीक है तो यहाँ पर यह बोलता है कि हमें क्या करना चाहिए अपनी जर्मन सोसाइटी को बेस्ट बनाने के लिए या उसको सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ प्योर जर्मन्स को ही रखना चाहिए ठीक है इसलिए वो बोलते हैं कि दीज आर दी डिज़ायरेबल पीपल जो नॉर्डिक आर्यनस हैं ठीक है ठीके, सिर्फ इन लोगों को सोसाइटी में सर्वाइव करना चाहिए ताकि जब भी रिप्रोडक्शन होगा तो क्या होगा प्योर जर्मन से हमारी सोसाइटी में रहेंगे कोई भी अनडिज़ायरेबल या इमप्योर पर्सन हमारी सोसाइटी में सर्वाइव नहीं करेगा राइट right? है ना और यहाँ पर क्या बोला जाता है कि ये जो ज्यूज़ हैं ज्यूज़ का मतलब होता है एक डिफरेंट रिलीजन है ठीक है जुडाइज़म जिसको फॉलो करने वाले लोगों को बोला जाता है जीव्स ठीक है अभी अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो आपने जो इसराइल पैलेस्टीन में जो भी चीज़ें चल रही हैं है ना जो एक वॉर लाइक सिचुएशन बनी हुई है उसमें ज्यूस का एक रोल है ठीक है मतलब कि अब वो क्या है पैलेस्टीन में कौन है इसराइल में कौन है ये सारी चीज़ें आपको उससे पता चलेंगी राइट जिप्सीज किसको बोला गया है जनरली जो रोम या इटालियन एम्पायर से रिलेटेड लोग हैं ठीक है थीके? उनको बोला गया जिप्सीज पोलिश पीपल किसको बोला है दोज हु बिलोंग टू पोलैंड राइट और साथ में ऐसे जर्मन पीपल जो फिजिकली या मेंटली डिसेबल हैं ठीक है तो इन लोगों को भी हिटलर चाहता था कि इन लोगों को भी यहाँ से हटाया जाए और हटाने का मतलब क्या है? ये क्या बोलता है हिटलर क्या बोलता है कि ये जो ज्यूइश प्रॉब्लम है ये लोगों को जर्मनी से बाहर निकालने से सॉल्व नहीं होगी इनको हमें खत्म करना पड़ेगा है ना वी हैव टू एलिमिनेट दीज पीपल और एलिमिनेट का मतलब क्या है दे शुड बी किल्ड सिंपल ये किसका कहना था हिटलर का राइट right? यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर और चार्ल्स डार्विन दोनों की थ्योरी को एक गलत तरीके से लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है ठीक है क्या बोला जाता है कि मान लो कोई भी प्योर जर्मन है ठीक है वो अगर किसी अलाइंस में है या अगर वो एक फैमिली क्रिएट करता है इनमें से किसी के भी साथ तो जो ऑफ होंगे वो भी प्योर जर्मन तो नहीं होंगे है ना वो इन लोगों के साथ क्या हो जाएंगे इम्प्योर हो जाएंगे ठीक है या वो भी अनडिजायरेबल हो जाएंगे और हिटलर नहीं चाहता था कि जर्मन में कोई भी अनडिजायरेबल रेस वहां पर रहे दैट इज वाई ही वॉन्ट्स टू एलिमिनेट ऑल दो पीपल मतलब कि हिटलर की बात आप माने तो ये तो दूसरी कम्युनिटी के लोग थे मान सकते लेकिन खुद की ही कम्युनिटी में जो लोग फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड हैं है ना इनको भी एलिमिनेट करने का काम हिटलर करवाएगा इवन आपको सुन के थोड़ा सा अजीब सा लगेगा इन लोगों की तो गिनती छोड़ दो जर्मन प्योर जर्मन में ही जो लोग फिजिकली और मेंटली हैंडीकैप थे या डिसेबल थे ऐसे सत्तर हजार लोगों को हिटलर मरवा देता है सोचो so, कि खुद की कम्युनिटी के सत्तर हजार लोगों को मरवा सकता है जस्ट बिकॉज दे आर फिजिकली एंड मेंटली डिसेबल तो ये दूसरी कम्युनिटीज के लोगों को कितने ज्यादा नंबर्स में मास किलिंग इसने करवाई है ठीक है तो यहां से जर्मन ये डिजायरेबल और अनडिजायरेबल वाला कंसेप्ट लेकर आएगा राइट right? अब डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल जो कंसेप्ट है इसमें हिटलर एक और बात बताते हैं कि भाई हमारी जर्मनी में जो ज्यूस पीपल हैं जिप्सीज हैं पोलिश हैं या ये जो मैंटली फिजिकली डिसेबल्ड हैं ये हमारे रिसोर्सेज को ख़त्म कर रहे हैं ठीक है थीके? जर्मनी किसकी होनी चाहिए प्योर जर्मन की प्योर जर्मन रेस की होनी चाहिए लेकिन ये बाकी लोग जो एग्जिस्ट कर रहे हैं ये उसके रिसोर्सिस को भी यूज़ कर रहे हैं और जर्मनी को भी एक इम्प्योर कंट्री बना रहे हैं राइट right? तो इनका एलिमिनेट करना तो ज़रूरी है अब इनको एलिमिनेट करने के क्या तरीके होते हैं इनको एलिमिनेट करने के लिए हिटलर बहुत सारे ऐसे रास्ते यूज़ करेगा जो पहले कभी दुनिया में नहीं यूज़ किए गए है ना कंसंट्रेशन कैंप कंसंट्रेशन कैंप हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ठीक है ठीके? यूथेनेशिया ये भी हमने डिस्कस कर लिया है और गैस चैम्बर्स कंसंट्रेशन कैंप्स क्या है हिटलर हिटलर को वैसे इन सारे अनडिजायरेबल लोगों से परेशानी है लेकिन सबसे ज्यादा हेटरेड हिटलर को किससे है जीव से ठीक है और इसका कारण क्या है हिस्ट्री में इसका कारण ऐसा बताया गया है कि ज्यूस पीपल को रिलेट किया जाता है जीसस की डेथ से ठीक है जीसस की डेथ से किसको रिलेट किया जाता है जीवस कम्युनिटी को दैट इज़ वाई आप बहुत सारी जगह जब भी आप जीव की हिस्ट्री को पढ़ना चाहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारी जगह जीवस को इसलिए प्रोसिक्यूट किया गया है या इसलिए उनको इतना परेशान किया गया है क्योंकि लोग उनको जीजस की डेथ से रिलेट करते हैं ठीक है ठीके? तो हिटलर को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है जीव से इन सारे लोगों को तो वो एलिमिनेट करवा ही रहा है लेकिन जीव को उसको जड़ से खत्म करना है ठीक है इसलिए वो उसको सीधा बोलता है कि भाई जीव प्रॉब्लम जो है इसको जर्मनी से बाहर निकालने का कोई सेंस नहीं है इसको आप सुधार नहीं सकते ठीक है आपको इसको खत्म ही करना पड़ेगा ठीक है तो उसका कहना था कि जितने भी जीवस हैं सबको मार दो हिटलर जर्मनी में इस तरीके से ऑर्डर दे चुका था कि भाई लोग जो उसकी ऑफिशियल्स हैं वो जाकर सर्वे करें और वो देखें कि उसको जहाँ पर भी जीव पीपल मिल रहे हैं ठीक है वो उनको उठाए और उनको मार दे राइट right? उनको मारने के तरीके क्या है कंसनट्रेशन कैंप्स में भर दो मतलब बहुत सारे लोगों को उठाकर कर आउटस्कर्ट्स एरिया में ऐसे उन्होंने जेल जैसे प्रिजन जैसे रीजन्स बनाए जहाँ पर लोगों को भर दो ठीक है ना आप उनको खाना दो ना पानी दो कोई चीज़ मत दो साथ में उनको एक इलेक्ट्रीफाइड बार्स के अंदर रखो ठीक है निकलने की कोशिश करेंगे तो शौक लगेगा ठीक है प्लस सारी फैसिलिटीज़ उनसे दूर कर दो लोगों को उनकी फैमिली से दूर कर दो अल्टीमेटली लोग क्या करेंगे मरेंगे ठीक है प्लस गैस चैम्बर्स भी इसमें इंक्लूड थे मतलब कि ऐसे छोटे छोटे से रूम्स बना दिए जाते थे कंसनट्रेशन कैप्स बहुत ही सफ़ोकेटिव होते थे तो बहुत सारे लोग तो सफोकेशन से मर जाते थे गैस चैम्बर्स में क्या था सफोकेटिव रूम्स तो बनाएंगे उसमें काफ़ी सारे लोगों को भर देंगे और उसमें पॉइजनस गैसेस को रिलीज़ करेंगे ठीक है मतलब जैसे वॉशरूम्स होती हैं वाशरूम्स में अगर ऊपर शावर लगा हुआ है ठीक है तो ऐसे शावर हेड्स तो होते थे लेकिन उसमें से पानी नहीं आएगा उसमें से हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होंगे ठीक है तो इस तरीके से लोग जो टॉक्सिक गैसेस थी उनको इनहेल करके उनकी डेथ हो रही थी ठीक है मतलब हिटलर का सीधा साफ कहना था कि भाई इन लोगों को एलिमिनेट तो करना है लेकिन ऑलरेडी हमारे पास रिसोर्स कम है तो हम इनके ऊपर वेपन्स नहीं चलाएँगे ठीक है मतलब हम इनको मारेंगे तो लेकिन सस्ते तरीकों से ठीक है प्लस यूथेनेशिया यूथेनेशिया हमने पढ़ा था हेलमेट के फादर जो थे वो इसी वजह से क्या करते हैं सुसाइड डन अब ये तीन तरीके थे लोगों को मारने के चलो ये तो अल्टीमेट है कि भाई आप मारेंगे लेकिन अभी ये डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल वाला जो केस है ये काफ़ी लंबा चलता है कैसे डिज़ायरेबल पीपल तो हैं ठीक है ठीके? इनको सारी फैसिलिटीज़ इनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है ठीक है ये लोग आपस में रह सकते हैं बट ये लोग जो थे जनरली जीव जीव यूज़ टू लिव इन द एरियाज़ विच आर नोन एज गेटो ठीक है अभी गेटो क्या है गेटो का मतलब ऐसा रीजन जहाँ पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग मजबूर होते हैं एक साथ रहने के लिए ताकि कोई दूसरी कम्युनिटी आके उनको डिस्क्रिमिनेट ना करे या उन उन पर फोर्स यूज़ ना करे ठीक है तो जीव जो थे इनको फ्रीली रहना अलाउड नहीं था जर्मनी में ठीक है ये गेटोज़ में रहते थे एक साथ रहते थे अपनी कम्युनिटी में सर्वाइव करते थे और कोशिश करते थे कि एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर लिया जाए ठीक है बट गेटोज़ में भी इनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा हार्श हुआ करती थी ठीक है ज्यूज पीपल को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता था ठीक है और साथ में इवन इनके साथ बहुत इनह्यूमन ट्रीटमेंट होता था मतलब इनको इंसान तो समझा ही नहीं जाता था तो जर्मनी में राइट और इनके बारे में बहुत सारी नेगेटिव uh, न्यूज़ जो होती है ठीक है इनके बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मतलब वही हम देख रहे हैं कि नाजी वर्ल्ड व्यू जो है एक्चुअली हिटलर की नज़र है ठीक है तो हिटलर अपनी नज़र में ज्यूस को जितना ख़राब समझता था उतना ही नेगेटिविटी उनके बारे में फैलाने की कोशिश करता था ठीक है तो बहुत सारी मूवीज़ बनती हैं बहुत सारी मैगजीन्स निकलती हैं जीव के अगेंस्ट ठीक है तो बेसिकली मार तो रहा ही है साथ में उनके बारे में हेटरेट बहुत ज्यादा फैलाने की कोशिश हिटलर करता है राइट right? फिर ज्यूज जो होते हैं इनको फोर्स किया जाता है स्लेव लेबर के लिए है ना स्लेव लेबर करवाया जाता है इनसे ठीक है स्लेव्स बनाया जाता है इनको इनको ठीक ठाक अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी एम्प्लॉयमेंट में कभी भी इनको स्टारवेशन से गुजरना पड़ता था मतलब इनको फूड भी नहीं मिलेगा राइट right? मतलब इनह्यूमन ट्रीटमेंट देने में कोई भी कसर किसने नहीं छोड़ी हिटलर ने राइट right? मजबूरन जीव सारे जाकर कहाँ रहते हैं गेट हाउस में ठीक है चलो इतना हो गया इसके बाद हम देखेंगे कि रेशियल यूटोपिया क्या था यूटोपिया का मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन विच इज़ विच इज़ टू आइडियल टू बी ट्रू है ना मतलब कि ऐसी सिचुएशन जो बिल्कुल एकदम ही आइडियल है और आइडियल सिचुएशंस रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर पाती ठीक है क्यों क्योंकि बहुत ज़्यादा डायनामिक है आपकी रियल लाइफ है ना बहुत सारे लोग उसको अफेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा एन्वायरमेंट उसको अफेक्ट करता है लेकिन हिटलर जो था उसकी नज़र में एक रेशियल यूटोपिया उसको अचीव करना था जर्मनी में कैसे उसका साफ साफ कहना था कि देखो भाई जर्मनी में एक ही रेस रहनी चाहिए विच इज़ प्योर जर्मन्स दूसरी कोई भी रेस जर्मनी में एग्जिस्ट नहीं करेगी दूसरी कोई रेस जर्मन में जर्मनी में एग्जिस्ट कब नहीं करेगी जब एग्जिस्टिंग दूसरी रेस जो है है ना जब ये एग्जिस्टिंग जितने जीव हैं जिप्सीज हैं पोलिश पीपल हैं ये फिजिकली मेंटली डिसेबल्ड जर्मनस हैं इनको आप एलिमिनेट कर दो तो सिर्फ प्योर जर्मन बनेंगे साथ में प्योर जर्मन जो हैं जब वो फैमिलीज बना रहे हैं जब वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो उनको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि वो किसके साथ मैरिज करें या किसके साथ रहें जो कि प्योर जर्मन है ठीक है अगर दूसरा व्यक्ति प्योर जर्मन है देन इट इज़ ओके क्यों क्योंकि जो ऑफ होगा वो भी प्योर जर्मनी होगा ठीक है मतलब कि कोई दूसरी रेस जो है वो जर्मनी में एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए ऐसा व्यू था हिटलर का जिसके कारण हिटलर ने क्या किया एग्जिस्टिंग इतने सारे लोगों को तो डेथ हो ही रही थी है ना साथ में क्या करता था जो चिल्ड्रन होते थे है ना ऐसे चिल्ड्रन जो उसको लगता था कि जर्मन के जैसे दिखते हैं ठीक है प्योर जर्मन के जैसे दिख रहे हैं या उसको लग रहा है कि भाई इनके अंदर प्योर जर्मन्स के जीन्स होंगे तो उनको रेस एक्सपर्ट के पास भेजा जाता था ठीक है किसके पास भेजेंगे रेस एक्सपर्ट्स रेस एक्सपर्ट्स के बाद भेजा जाता था और ये रेस एक्सपर्ट्स क्या कर सक क्या करते थे उसका एक पूरा चेकअप करते थे अगर वो प्योर जर्मन है अगर उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक प्योर जर्मन के अंदर होनी चाहिए तो फिर उसको क्या करेंगे ये देखा जाएगा कि क्या वो एक्चुअली प्योर जर्मन फैमिली को बिलोंग करता है अगर करता है देन इट इज़ ओके इफ़ ही लुक्स लाइक अ प्योर जर्मन बट ही डू नॉट बिलोंग टू प्योर जर्मन फैमिली अगर वो किसी जूस की जिप्सीस की पोलिश की या इन लोगों की फैमिली को बिलोंग करता है तो क्या किया जाता था उसकी फैमिली से उसको अलग कर दिया जाएगा है ना और उसकी फैमिली से अलग करने के बाद उसको भेज दिया जाएगा फॉस्टर फैमिलीज में और फॉस्टर कौन करेगा प्योर जर्मन फॉस्टर का मतलब क्या है एक तरीके से जो आपके खुद के पेरेंट्स नहीं है लेकिन कोई दूसरी फैमिली है जो आपको पाल पोस के बड़ा करेगी ठीक है तो ऐसी फैमिलीज़ को बोलेंगे फॉस्टर फैमिलीज तो प्योर जर्मन के पास उनको भेज दिया जाता था कि अभी आपके साथ रहेगा और आप इसकी अपब्रिंगिंग करेंगे ताकि अल्टीमेटली जब ये बड़ा होगा तो ये प्योर जर्मन ही बनेगा ठीक है तो इस तरीके का काम और अगर मान लो कि कोई रेशियल यूटोपिया मतलब रेशियल रेस एक्सपर्ट्स जो हैं जब ये टेस्ट कर रहे हैं और इनको समझ में आता है कि बच्चा जो है ये प्योर जर्मन नहीं है और ना ही इसमें कोई भी लक्षण है प्योर जर्मन के तो ऐसा नहीं था कि उन बच्चों को वापस उनके पेरेंट्स के पास भेज दिया जाएगा उन बच्चों को भी कंसंट्रेशन कैंप्स भेज दिया जाता था ठीक है जिनको जनरल गवर्नमेंट्स बोल के अलग अलग नाम से बेसिकली सीधे तरीके से कंसंट्रेशन कैंप्स ना बोल के अलग अलग नाम लिए जाते थे लेकिन अल्टीमेटली सबका हाल जो होता था वो यही होता था राइट गैस चैम्बर्स और कंसनट्रेशन कैम्प और यूथेनेशिया यही सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही थी राइट सो so, एक टॉपिक और हमने ख़त्म कर लिया विच इज़ रेशियल यूटोपिया ठीक है इसके बाद पढ़ेंगे किसके बारे में यूथ के बारे में तीन मेजर टॉपिक हमारे बच्चे एक हमें देखना है कि जर्मनी में जो यूथ था उसके साथ क्या हो रहा था जर्मनी में मदरहुड को किस नज़र से देखा जा रहा था ठीक है या जो मदर्स थी उनको क्या चीज़ें हिटलर के अकॉर्डिंग फॉलो करनी चाहिए थी ठीक है कैसे अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग उनको करनी थी और तीसरा टॉपिक है आर्ट ऑफ प्रोपगेंडा है ना मतलब कि ये इंटरेस्टिंग है इसको बाद में बताएंगे पहले हम यूथ वाला टॉपिक और जो मदरहुड वाला टॉपिक है उसको भी डिस्कस करेंगे ठीक है तो इस लेक्चर के लिए इतना ही नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द यूथ इन जर्मनी राइट आई होप दिस मच इज़ क्लियर कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डू लेट मी नो अगर आपको टॉपिक्स को किसी अलग तरीके से पढ़ना है या अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ मिस आउट हो रहा है तो देन ऑल्सो यू कैन मैंशन इट इन द कॉमेंट सेक्शन डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू